हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है फ्रांसी राजदूत का भारत को लेकर ऐसा बयान कि चीन पाकिस्तान को लग जाएगा सदमा। अरे वाह, चलो देखते हैं, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो पता करते हैं कि क्या बयान था। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारत फ्रांस का रिश्ता बेहद मजबूत है। दोनों देशों की दोस्ती की जोड़ी देखकर दुनिया दंग है, और यही वजह है कि भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले देश फ्रांस ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर भारत का शुक्रिया किया है। जी हाँ, फ्रांसीसी राजदूत इमैनुएल लेनिन ने भारत और फ्रांस के अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि भारत और फ्रांस हर अच्छे बुरे समय एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया तो हम आपके साथ थे, क्योंकि हम आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को समझते थे। कोरोना महामारी के बीच भारत ने फ्रांस के हॉस्पिटलों में जरूरी दवाएं पहुंचाई, हम उसके लिए फिर से धन्यवाद देते हैं। इतना ही नहीं, लेनिन ने ये भी कहा कि जब फ्रांस के मूल्यों और सेक्युलरिज्म पर गंभीर हमला हुआ तो आपकी मोदी सरकार ने दुनिया को उनके समर्थन में एक साफ संदेश दिया। दरअसल फ्रांस में हुए आतंकी हमलों के बाद पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फोन पर बात की थी। इस बातचीत में भारत ने आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई में भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया था, जिसके बाद ये साफ हो गया था कि कुछ भी हो जाए, भारत अपने दोस्त देश फ्रांस के साथ खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। इससे पहले जब फ्रांस में कोरोना ने तांडव मचा रखा था, तब फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनिन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के निर्माण और उत्पादन को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना का इलाज मिलने के बाद इसकी दवाओं और टीकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी, और अगर हम चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन और दवाओं का उत्पादन और वितरण दुनिया भर में किया जाए तो सभी देशों के लिए समन्वय करना बेहद जरूरी है। दवाओं और टीकों के निर्माता के रूप में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत वैश्विक स्तर पर टीकों और जेनेरिक दवाओं का अग्रणी निर्माता है। भारत में कई अनुसंधान संस्थान अलग अलग कार्यक्रमों पर भी काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी है इसके लिए एक वैक्सीन मिल सके। और शायद भारत ने अपनी कथनी और करनी में कोई बदलाव नहीं किया है, और मौजूदा वक्त में कई देशों को कोरोना की वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी है। फिलहाल भारत फ्रांस के मजबूत रिश्ते सिर्फ रक्षा क्षेत्र को लेकर नहीं है, वैचारिक तौर पर भी दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो वहीं फ्रांस ने भी कई बार अपनी दोस्ती का पुख्ता सबूत भारत के सामने पेश किया था। फ्रांस ने कहा था कि भारत के समक्ष प्रत्यक्ष खतरे को लेकर हम हमेशा बहुत स्पष्ट रहे हैं। अब वो चाहे कश्मीर ही क्यों ना हो, हम सुरक्षा परिषद में भारत के प्रबल समर्थक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो फ्रेंड्स, कमाल की वीडियो थी, जिसने दिखाया कि इतने अच्छे रिलेशनशिप्स हो रहे हैं फ्रांस के साथ। इंडिया और भारत के जो रिलेशनशिप्स हैं बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, और इसमें यह भी पता चल रहा है कि मोदी गवर्नमेंट की आने के बाद ये रिलेशनशिप जो है स्ट्रांग हुई है। और जैसे बता रहे हैं कि जब वहां पे आतंकवादियों के हमले हुए तो मोदी जी ने यहां से उनसे बात की और उनको कहा कि आपका हमारा फुल सपोर्ट है, तो उससे बहुत मतलब रिलेशनशिप जो है वो उसने टर्न लिया और भी स्ट्रांगर हुई है। और अब वो बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके हर डिसीजन में आपके साथ है, और खासकर ये जो कोविड की वैक्सीन इंडिया जो बना रहा है उसने कमाल कर दिया, उसने इंडिया को इतना मतलब पूरे वर्ल्ड के सामने एक न्यू लाइट में ले आया है कि सब अब लुकअप कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, और उनको पता चल रहा है कि इंडिया जो है कितनी ग्रेट कंट्री है और कितनी जल्दी एडवांस होके बहुत टॉप की बनने वाली है। तो वो बहुत अच्छी बात है, और डेफिनेटली दुश्मनों को तो भाई तकलीफ तो होनी है ये सब देख के, पर हमें दुश्मनों से क्या लेना, हमें अपना आगे बढ़ना है और बढ़ते ही जाना है। तो काफी अच्छा वीडियो था, और पॉइंट वही था कि जब फ्रांस में टेररिज्म हुआ था
कार्टून के पीछे, तो जिस तरीके से वहाँ पे टेररिज्म हुआ था तो इंडिया ने कहा था ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत कम कंट्रीज थी जिन्होंने फ्रांस का सपोर्ट किया था, और उसके बाद फ्रांस ने भी थैंक्स किया था इंडिया को कि बहुत अच्छी बात है, और पाकिस्तान मेरे ख्याल से अगेंस्ट गया था, और बाद में फ्रांस ने फिर उनको अपनी जो मिलिट्री रिपेयर्स थे वो देने बंद कर दिए थे, जो उनकी मेंटेनेंस है उनके एयरक्राफ्ट्स वगैरह की वो देनी बंद कर दी थी। तो इंडिया ऑफ कोर्स ये भी याद रखा था इंडिया ने कि पहले फ्रांस ने इंडिया को सपोर्ट किया था, जैसे कह रहे हैं जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो सिमिलरली हमने रिटर्न किया है फेवर को, तो वो बहुत अच्छी बात है। और पॉइंट वही है, देखिए कॉमन एलिमेंट मोदी जी हैं, मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं सबसे दोस्ती कर रहे हैं, तो मेन पॉइंट वही है। पहले आपको खबरें नजर नहीं आती थी, अब जहां पर भी मोदी जी जाते हैं वहां पे अलायंस हो रहे हैं, वहां पे फ्रेंडशिप हो रही है, वहां पे अब कोरोना वैक्सीन की वैक्सीन्स जा रही हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द वैक्सीन इन द वर्ल्ड है इंडिया, और अब यूरोप में मोस्टली एस्ट्राजेनेका की ही वैक्सीन यूज हो रही है। तो अब एस्ट्राजेनेका के पास ऑब्वियसली इतनी कैपेसिटी नहीं है खुद बनाने की, ऑफकोर्स वो बना रहे होंगे, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका खुद बना रहे होंगे, मगर वो मास स्केल में नहीं बना सकते। तो इंडिया जो है उनकी बना रहा है और उसके बाद सप्लाई कर रहा है पूरे यूरोप में, इंक्लूडिंग फ्रांस। जो जो हमारे दोस्त नेशंस हैं वो बहुत अच्छी बात है कि जब उन्होंने बोला होगा कि हमें चाहिए, इंडिया ने कहा होगा श्योर, मतलब आपकी ये प्रायोरिटी है, आप फ्रेंडली नेशंस हैं, आपके इंडिया से रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो आपको हम इतना कोटा देते हैं। और मेरे ख्याल से इंडिया क्या कर रहा है, हर एक कंट्री को क्रिटिकल कोटा दे रहा है कि आपको मिनिमम कितना चाहिए लीजिए, आपको मिनिमम चाहिए, जब इनका हो जाएगा फिर सेकेंड फेज में जाके और मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसमें मतलब जैसे वो कह रहे हैं इवेंचुअली फ्रांस जो है सपोर्ट भी करता है इंडिया को एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। तो उसमें वो कब से फ्रांस बोल रहा है ठीक है हम सपोर्ट करते हैं कि परमानेंट मेंबर होने चाहिए, और तो मतलब इससे क्या दोस्ती और बढ़ रही है। अभी जब तक मतलब इंडिया प्रेशर नहीं डालेगा, जो लोग वीटो कर रहे हैं तब तक आगे बात नहीं बढ़ेगी, मगर अच्छी बात है कि ये दोस्त हैं और यहाँ पे जो है दोस्ती बढ़ रही है। और ऑफकोर्स मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यूरोप ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि यूरोप के पास अपनी कैपेसिटी नहीं है वैक्सीन प्रोडक्शन की, तो उसमें इंडिया आगे आ रहा है, मैस मैन्युफैक्चर कर रहा है। आपको जो भी चाहिए भारत बायोटेक की भी शायद वो खरीद सकते होंगे, और एस्ट्राजेनेका के भी खरीद सकते होंगे, तो बहुत ही अच्छा है ये सब न्यूज़ आ रही है दोस्ती की, तो वेरी नाइस वीडियो। यस फ्रेंड्स, इतनी नेगेटिविटी सुन सुन के जब ये ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आती है बहुत खुशी होती है और बहुत प्राउड फील होता है कि इंडिया जो है एनिमिटी की जगह फ्रेंडशिप पे बिलीव करता है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।